हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट वाउचर में बैंक डिटेल और चेक डिटेल्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बैंक डिटेल और चेक डिटेल्स आपको रिफ्लेक्ट हो रही है पेमेंट वाउचर में, जो आप अपनी पार्टी को पेमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पेमेंट वाउचर में बैंक डिटेल्स और चेक डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपने जो बैंक का लेजर क्रिएट किया है टैली में, उस लेजर में जाकर आपको एक सेटिंग करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अल्टर चेक बुक्स ऑप्शन को यस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक की जो रेंज है उसे फिल करना होगा। अगर मानकर चलिए आप इसे फिल नहीं भी करना चाहते हैं चेक रेंज को, तो आप नहीं भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अल्टर चेक बुक के ऑप्शन को यस करके आगे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है फ्रॉम नंबर से लेके टू नंबर। जो आपके पास चेक बुक है उसमें जो नंबर है, जहाँ से चेक बुक स्टार्ट और जहाँ पर ख़त्म है, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फ्रॉम नंबर में स्टार्टिंग नंबर डालना होगा और टू नंबर में लास्ट नंबर डालना होगा। उसके बाद यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपकी चेकबुक में कितने पेजेस हैं, यहां पर नंबर ऑफ चेक बुक्स में। उसके बाद यहां पर चेक बुक का नाम आप अपने मन से डाल देंगे, जैसे मैंने यहां पर बुक वन डाला हुआ है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, लेकिन ये जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं कि प्रिंट कैसे करेंगे, उसमें इसका यूज है, इसीलिए मैंने फिर से रिमाइंड कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आप आएंगे सबसे पहले पेमेंट वाउचर में। यहां पर आपको F12 यानी कॉन्फिग में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप जो एंट्री पास करेंगे वो सिंगल एंट्री मोड में पास नहीं करेंगे, आपको डेबिट क्रेडिट में एंट्री पास करनी होगी या टू बाय में। तो देखिए यहां पर आपको F12 में यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर का ऑप्शन अगर यस मिले तो इसे नो कर लें। इसे नो करने के बाद आपके पास सो बैंक एलोकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप यस करेंगे। वो इसलिए ताकि जब आप एंट्री पास करें पेमेंट की, तो आपसे चेक्स की या बैंक की डिटेल्स मांगी जाए टैली में, उसके लिए एक विंडो ओपन हो जाए बैंक एलोकेशन का, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और जब हम सिंगल एंट्री मोड को नो कर देते हैं, तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन को यस करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, टू बाय में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को नो रखें, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय को इसे नो रखें, और अगर क्रेडिट डेबिट में करना चाहते हैं तो इसे भी यस कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने दो ऑप्शन और हैं, यूज ऑटो चेक नंबरिंग, इसे यस करें। जो आपने चेक नंबर का रेंज फिल किया है उसके लिए इसे हमें यस करना है, ताकि ऑटो फिल कर ले टैली। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज, इस ऑप्शन को आप यस भी रख सकते हैं, नो भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहां पर यस रखा है, ये मैं बता देता हूं कि क्यों मैंने यस रखा है। जैसे मैंने बैंक का जो लेजर क्रिएट किया था, वहां पर जो मैंने चेक रेंज सेट की थी 1 से लेके 50, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी मैं पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करूंगा पेमेंट की बैंक के थ्रू, तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, तो इस कंडीशन में टैली ऑटोमेटिक पिक करेगी चेक का जो नंबर है वो 1, क्योंकि मेरी जो बुक स्टार्ट हो रही है चेक की वो 1 से स्टार्ट हो रही है, और मैंने चेक रेंज भी 1 से स्टार्ट की है, तो उस कंडीशन में टैली ऑटोमेटिक पिक करेगी 1। उसके बाद मैं सेकेंड जैसे एंट्री पोस्ट करूंगा बैंक से रिलेटेड पेमेंट वाउचर में, तो फिर 2 नंबर चेक को ले लेगी टैली। तो अगर मैं चाहता हूं कि चेक रेंज यहां पर, अगर मानकर चलिए अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज इस ऑप्शन को अगर मैं यस कर लूं, तो मुझे जब बैंक एलोकेशन डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा जहां पर चेक की डिटेल्स आएगी, तो वहां पर जो नंबर मैं सेट कर दूंगा, फिर उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होगी। मानकर चलिए ये मेरी फर्स्ट पेमेंट की एंट्री है, जैसे मैंने इसे यस कर लिया, मैं दिखा देता हूं यहां पर, ये मैं पार्टी ले लेता हूं 224 रुपए। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस जो भी हो आपके साथ कंडीशन, वो आप कर लेंगे, बैंक ले लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर टैली ऑटोमेटिक यहां पर ये जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है 1 ले लेगी, ठीक है, लेकिन यहां पर ये 2 क्यों ले रही है, क्योंकि मैंने उसे यस करने के बाद यहां पर 2 नंबर सेट कर दिया था। अब मैं अगर मानकर चलिए यहां पर 3 सेट कर देता हूं, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा कि ये मेरी जबकि फर्स्ट पेमेंट वाउचर में एंट्री है बैंक से रिलेटेड, लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा वहां पर ऑटोमेटिक 4 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये मैंने पार्टी ले ली, अब यहां पर मैं इसे वापस से 224 रुपए दे रहा हूं। अब मैं ये इसे ऑन अकाउंट दे रहा हूं, क्योंकि अब इसका बैलेंस मेरे पास बचा नहीं है। अब यहां पर देखिए, ऑटोमेटिक जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो 4 आ गया, क्योंकि मैंने एक बार 3 नंबर डाल दिया, उसके बाद जो भी मैं अब एंट्री पास करूंगा उसके बाद आगे का नंबर आएगा, तो यानी 1 और 2 नंबर जो चेक है वो मेरी रह गई है। तो इस ऑप्शन का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर बैंक डिटेल्स का जो ये ऑप्शन आ रहा है बैंक एलोकेशन का, यहां पर जो भी ऑप्शंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो, आप यहां F12 यानी कॉन्फिग में जाकर वो ऑप्शंस यहां पर यस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो ऑप्शन आप चाहें उसे नो भी रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर F12 यानी कॉन्फिग में यहां पर एक ऑप्शन और बता देता हूं, इस ऑप्शन को नो रहने देंगे,
ये जो ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बैंक डिटेल्स, इसे नो रखेंगे। इसे अगर आप यस कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास बैंक एलोकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा जब आप एंट्री पास करेंगे पेमेंट वाउचर में। अब सपोज कीजिए जैसे कि यहां पर मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूं। फ्रेंड्स आपने एक बात गौर की होगी, जब मैंने एंट्री पास की पेमेंट वाउचर में तो वहां पर आपको चेक डिटेल्स और बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। वो जो भी रिफ्लेक्ट हो रही थी आपको बैंक एलोकेशन के विंडो में रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आप एंट्री पास करेंगे तो वो आपको जो डिटेल्स है वो आपको पेमेंट वाउचर पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। आप जब एंट्री पास कर लेंगे यानी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर मानकर चलिए आप तुरंत प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेजअप बटन का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं पेजअप बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो अर्लियर जो आपने एंट्री पास की है वो आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब आपको बैंक की डिटेल्स और चेक की डिटेल्स स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है पेमेंट वाउचर में। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आप बाद में प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप डे बुक में भी जाकर देख सकते हैं या अकाउंट्स बुक में, लेजर में, पार्टी के लेजर में भी जाकर देख सकते हैं। यहां पर देखिए अब आपको यहां पर सारी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।